यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले से बचने के लिए बंकर में छिपे कुछ लोगों ने कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इसके पीछे का मकसद चंदा इकट्ठा करने के साथ दुश्मन के खिलाफ ताकत जुटाना भी रहा, ताकि उनका देश यूक्रेन दुश्मन के आगे और मजबूती से खड़ा हो सके, उसे जंग में किसी चीज की कमी ना पड़े। इसलिए बंकर में दिन काट रहे इन लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया और इस तरह चंदा जुटाने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्हें इन हालात में रहते करीब एक महीना बीत चुका है। ऐसे में उनके लिए भी हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कॉन्सर्ट में सबने अलग अलग किरदार निभाए। कोई गिटार बजाता दिखा तो कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और किसी ने इस दौरान गाना गाकर सबका दिल बहलाया। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूरोप के छोटे से देश चेक रिपब्लिक से यूक्रेन के समर्थन वाली अनोखी तस्वीर सामने आई, जिसमें यूक्रेन की मदद के लिए एक फैक्ट्री के अंदर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तस्वीर लगे तकिए बनते दिखाई दिए। फैक्ट्री के अंदर कई लोग इस काम में जुटे नजर आए। बताया गया कि इन तकियों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए भेजा जाएगा। दावा किया गया कि 17 मार्च तक करीब 2000 तकियों की बिक्री हो चुकी थी।